जय श्री राम। अयोध्या कांड पृष्ठ संख्या 307 से 323 तक भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की तैयारी एवं केकई मंथरा संवाद। आइए श्री राम कथा शुरू करें। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। नीलांबुजस्यामलिकोमलांगं सीतासमारो पितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर श्री गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्यभिषेक से राज्यभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। चौदहों लोक रूपी बड़े भारी पर्वत पर पूर्ण रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों की समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो परमपिता ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी वेल को फली हुई देखकर आनंदित हो रही हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान
तीनों कालों में राजा दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन का जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने वाला निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। अपने जी में गुरुजी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपया करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए, मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से भगवान शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हैं। जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए, शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी हैं जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं,
कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक के लिए मुनि राज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल लेकर के आओ।